मानसून के दौरान अक्सर फंगल इन्फेक्शन का खतरा लगातार बढ़ने लगता है। सबसे ज्यादा लोगों को बारिश के दिनों में पैरों में फंगल संक्रमण का शिकार होना पड़ता है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। इस मौसम में लंबे समय तक बारिश के कारण पैर गंदे पानी के संपर्क में रहते हैं और ऐसी स्थिति में फंगल संक्रमण हो जाता है। सड़कें गंदे पानी से भरी होती हैं जो फुटवियर में प्रवेश करती हैं। चीज़ों को बदतर बनाने के लिए हम घंटों तक कार्यालय में गीले और गंदे जूते पहनते हैं, अशुद्ध और बदबूदार पैरों के साथ घर लौटते हैं। इसके कारण फंगल संक्रमण होता है। इसके कारण लोग काफ़ी परेशान होते हैं और कई दवाओं का इस्तेमाल कर इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि आप कैसे फंगल इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकते हैं और अपने पैरों को भी ठीक कर सकते हैं। फंगल संक्रमण को दूर करने के उपाय, नारियल का तेल। जी हाँ, नारियल का तेल एक एंटी फंगल होता है जो कि कवक संक्रमणों के इलाज में आपकी मदद कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने से आपके पैरों पर फैले फंगल संक्रमण को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसको लगाने के लिए आप प्रभावी हिस्से पर नारियल तेल लगा लें। इसे 30 से 40 मिनट तक लगा रहने दें और इसे धो लें। आप इसे छोड़ भी सकते हैं और इसे अपने आप सूखने दें। आप इसे 2 से 3 बार लगातार लगाएं, जिसके बाद आपको आराम मिलेगा। लहसुन एक एजीन और ऑर्गोसल्फर यौगिक होता है जो कि एंटी फंगल गुणों को प्रदर्शित करता है। यह फंगल इन्फेक्शन को तुरंत खत्म करके आपको राहत देगा। इसके लिए आपको 2 से 3 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा और जैविक नारियल तेल में कुछ चम्मच के साथ लहसुन को मिलाएं। इसके बाद आप धीमी आंच में 4 से 5 मिनट तक मिश्रण को गर्म करें और फिर मिश्रण को ठंडा होने दें और तेल को लगा लें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। सेब का सिरका। सेब का सिरका अपने एंटीफंगल प्रकृति के कारण कवक समेत रोगाणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को खत्म करने में काफ़ी प्रभावी माना जाता है। इसके लिए आपके पैरों पर लगे फंगल इन्फेक्शन को तुरंत भी ठीक कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप आधा कप पानी में एक बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं। अब आप इसे अच्छी तरह से मिलाएं और भीगे हुए कॉटन को प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे आपको 20 से 30 मिनट तक छोड़ दें, जिसके बाद आपको राहत महसूस होगी। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में भारी मात्रा में एंटी फंगल गुड़ पाए जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करता है। आप पानी में आधा कप बेकिंग सोडा मिलाएं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। फिर अपने पैरों में 15 से 20 मिनट के लिए उस मिश्रण को भिगोएं। कुछ देर बाद पैरों को मिश्रण से निकाल लें। इससे भी आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। तो इन उपायों को अपना कर आप एंटीफंगल से राहत पा सकते हैं।